तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने नेम का जो है रिंगटोन को किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे सिंपल तरीके से। मैं जानता हूँ कि कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप जो है उस पर अपने कस्टम म्यूजिक म्यूजिक वगैरह और अपने नाम के साथ रिंगटोन बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे क्या है, उसमें जो है कुछ उस तरीके का फील नहीं आएगा, ठीक है, ओरिजिनल टाइप का नहीं है। उसमें जो है कुछ रोबोटिक वगैरह उस टाइप का जो है वॉइस आएगा, ठीक है। मैं जो वेबसाइट बताऊंगा उसमें जो है दोस्तों आपको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से और नेचुरल वॉइस के जैसा वहां पर आएगा और आपका जो है रिंगटोन वहां पर डाउनलोड हो जाएगा आपके नाम का। आप जो भी एंटर करेंगे, सिर्फ आपको जो है टेक्स्ट एंटर करना है, फिर उसके रिलेटेड जो है आपको मिल जाएगा रिंगटोन्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सारा प्रोसेस। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाइए, आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा इसी तरीके का वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको जो है एक न्यू पेज ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपल सा एक न्यू टैब ले लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है एक सर्च करना होगा गूगल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने न्यू पेज आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है FDRM नेम रिंगटोन, ठीक है, FDRM, ठीक है, इतना लिखना है। फिर नेम रिंगटोन लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर सर्च कर लेना है इसको। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे जो ये रिजल्ट दिख रहा है इसका होम पेज है, ठीक है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक सर्च बार दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर गूगल का सर्च बार। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर अपना जो है नेम यहाँ पर एंटर कर देना है आपको, जिस नेम का रिंगटोन चाहिए, ठीक है। इस जगह पे एंटर करने के बाद आपको सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना नेम यहाँ पर पुट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम इंसर्ट कर दिया है। फिर जो यहाँ पर अपना सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा जो है हमें जो भी चाहिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर सारा कुछ रिंगटोन दिया हुआ है किस तरीके से बोलेगा। तो आप यहाँ से टेक्स्ट के द्वारा भी इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको जो भी पसंद आए, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जो मैंने अपना नाम एंटर किया तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मैं जो है इसमें से एक सिलेक्ट करता हूँ और उसे फिर डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फर्स्ट में ये वाला जो है सही लग रहा है मुझे, ठीक है, ये वाला। तो मैं इसे ही जो है आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज आएगा। तो आपको सिंपल सा ड्रैग करके नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला डाउनलोड बटन आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा। आपको सिंपल सा करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद या तो आपका डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा या फिर इस तरीके का प्ले हो जाएगा। अगर इस तरीके का प्ले होता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री डॉट आपको दिखेगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड बटन दिख जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्ले कर दिया है, अपने नाम का यहाँ पर जो है ये रिंगटोन सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप भी जो है इसी प्रकार से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिर्फ नेम को एंटर करके, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से डाउनलोड भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है सबसे कम MB पे ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।